हेलो गाइस, तो आज हम DSBDMA का क्वेश्चन 5 सॉल्व करेंगे, जो कि है डेटा एनालिटिक्स 2 पे। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, हमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल यूज़ करना है पाइथन में, जो कि परफॉर्म करेगा क्लासिफिकेशन कौन से डेटा सेट पे, सोशल नेटवर्क एड्स डेटा सेट पे। सो सोशल नेटवर्क एड्स डॉट CSV है, गूगल कर लेना, एक डेटा सेट मिलेगा वो डाउनलोड कर लेना। तो उस पर हमें क्लासिफिकेशन परफॉर्म करना है। एंड सेकेंड थिंग है कि कंप्यूट कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, फाइंड TP, FP, TN, FN, एक्यूरेसी, एरर रेट, प्रिसीजन, रिकॉल और ये सब सारी चीज़ें चाहिए। सो लेट्स कॉप विथ दिस एंड चलो कोलैब पे जाते हैं। लेट्स मूव ऑन टू कोलैब। तो एक नया फाइल बनाते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा लोड होने में। टाइम जैसा लोड होते ही हम डालेंगे प्रैक्टिकल फाइव, प्रैक्ट फाइव IPY NV, इंटरेक्टिव पाइथन नोटबुक उसका फुल फॉर्म। सो टेक्स्ट आ गया, टेक्स्ट में पेस्ट करते हैं और इसे ऊपर भेज देते हैं। तो इम्प्लीमेंट लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूजिंग पाइथन आर टू परफॉर्म क्लासिफिकेशन ऑन सोशल नेटवर्क एड। सो फाइल डालना पड़ेगा, तो फाइल्स में जाते हैं, फाइल को अपलोड करने में टाइम लगेगा। ओके सो अभी अपलोड करते हैं सोशल नेटवर्क एड्स। ओके ओपन कर दिया, सेम वार्निंग हर टाइम जैसा। ओके एंड क्या, तो जिन्होंने लास्ट वीडियो देखा होगा उन्हें ये भी वाला वीडियो भी इजीली समझ जाएगा और रिलेशनशिप बैठ जाएगा। जिन्होंने नहीं देखा, आई वुड रिकमेंड कि पहला वाला वीडियो देख लो ताकि और आइडिया बढ़े। सो लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या है ना, क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है। लेट से कि तुम्हें कुछ डेटा दिया गया, लेट से तुम्हें नाम दिए गए, ओके ह्यूमंस के नाम दिया, तुम्हें क्लासिफाई करना है कि मेल है या फीमेल है। लेट से तुम्हें मिला आयशा, सो आयशा को डाला फीमेल में, वो वैसे ही मिला आयुष, सो आयुष गया मेल में। उसके बाद में मिला कृष्णा, कृष्णा गया मेल में, किरण, किरण मेल में भी जा सकते हैं फीमेल में भी जा सकते हैं। तो ये ऐसे क्लासिफिकेशन जो करते हैं, तो ऐसे क्लासिफिकेशन करने के लिए हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ सिमिलर हम यूज़ करेंगे। पहले तो हम हमारा डेटा सेट देख लेते हैं, फिर उस पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या हमें ये करना है, मतलब क्या क्लासिफाई करना है। सो इम्पोर्ट पैंडास SPD, फिर DF इक्वल टू pd.read_csv एंड क्या करना है कि सैम्पल डेटा। ओके तो सोशल नेटवर्क एड्स ये कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट एंड प्रिंट करते हैं DF। तो एग्जीक्यूट किया तो ये डेटा मिल, यहाँ पे यूज़र आईडी दी गई है उस सोशल नेटवर्क, मतलब यूज़र की आईडी। उसके बाद में जेंडर दिया गया, मेल है या फीमेल है। उसके बाद में एज है उसकी, एज कितनी है, एस्टिमेटेड सैलरी है, और वो परचेस करेगा या नहीं, मतलब वो एड कुछ तो दिखाएगा तो वो एड, ये एड में से ये परचेस करेगा या नहीं ये दिया गया। सो 0 या 1, तो यही हमें बेसिकली क्लासिफाई करना है इनका, बाकी के डेटा के हिसाब से ये लोग परचेस करेंगे या नहीं जो कुछ चाहिए वो। ओके सो यप, सेम लास्ट टाइम हमने जो जो कुछ इम्पोर्ट किए थे SKLearn से वही करना है। सो फॉर अ क्विक रिव्यू, फ्रॉम हम SKLearn करके एक लाइब्रेरी यूज़ करते हैं कि मशीन लर्निंग मॉडल्स वगैरह ये करने के लिए। सो ये भी एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है पाइथन की। सो SKLearn.ModelSelection में से हमें एक मेथड इम्पोर्ट करना है जो कि है train_test_split। सो बेसिकली ये क्या करता है, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा को स्प्लिट करने में मदद करता है। उसके बाद फ्रॉम SKLearn.LinearModel, सो लीनियर मॉडल में से हमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन चाहिए, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ओके ये मिल गया। वापस अभी फ्रॉम SKLearn.Matrix, मैट्रिक्स में से क्या चाहिए हमें, इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। लास्ट टाइम हमने मीन स्क्वायर्ड एरर लिया था, बट ये टाइम अगर तुम क्वेश्चन भी देखो तुम्हें कन्फ्यूजन मैट्रिक्स चाहिए, एक्यूरेसी, एरर, प्रिसीजन, रिकॉल ये सारे स्कोर चाहिए। तो ये सारे पहले से प्रेजेंट है मैट्रिक्स में कि मतलब तुम्हारा मॉडल कितना अच्छे से काम कर रहा है। सो उसके लिए पहले तो हम लेंगे कन्फ्यूजन_मैट्रिक्स, ओके कॉमा एक्यूरेसी
अंडरस्कोर स्कोर, ये भी एक फंक्शन है। उसके बाद में प्रिसीजन अंडरस्कोर स्कोर, ये भी एक फंक्शन है। और उसके बाद में रिकॉल अंडरस्कोर स्कोर, तो ये भी एक मेथड है। सो लॉजिस्टिक रिग्रेशन या फिर कन्फ्यूजन मैट्रिक्स या फिर एक्यूरेसी स्कोर, प्रिसीजन स्कोर, इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो यूट्यूब पे कोई और वीडियो देख लेना जिसमें वो थेरोटिकली एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे हम उसे यूज़ कैसे करते हैं ये देखेंगे। सो ये सारे इम्पोर्ट हो गए, वापस एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं ताकि पता चले इम्पोर्ट हुए या नहीं, या फिर कुछ नेम एरर है। नहीं है, ठीक आ गया, मतलब सब कुछ ठीक है। उसके बाद में ये एग्जीक्यूट वापस करेंगे तो ये भी एग्जीक्यूट होगा। अभी सेम सिमिलर प्रोसेस, हमें पहले ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा स्प्लिट करना पड़ेगा, उसके लिए एक्स वाई बनाने पड़ेंगे। उसके पहले कॉलम्स के नाम लगेंगे, तो कॉलम्स प्रिंट करते हैं तो मुझे कॉलम्स के नाम मिल गए। ओके, स्पेलिंग कॉलम्स एग्जीक्यूट, तो मुझे कॉलम्स के नाम मिल गए। सो अभी ये ले लेता हूँ, मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी कर दिए। सो अभी मुझे एक्स एंड वाई वेरिएबल, सो एक्स इक्वल टू, मैं क्या करूँगा, डीएफ में से एक लिस्ट बना के पास करूँगा, बस इसमें से परचेस निकाल दूंगा, परचेस नहीं चाहिए, बाकी सारे का सारा चाहिए। तो इसमें ज़्यादा हो गए तो एक स्क्वायर ब्रैकेट कम कर दिया। वाई में क्या होगा, वाई में होगा डीएफ ऑफ परचेस्ड, इसके बजाय बाकी सब में निकालना पड़ेगा, बस परचेस रखूँगा। सो ऐसे मेरे को एक्स एंड वाई मिल गए मेरे डेटा के लिए, मतलब कंप्यूटेशन के लिए, क्योंकि एक्स जो इनपुट मिलेगा ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब एक्स किसी पे डिपेंड नहीं, और वाई क्या है वो डिपेंडेंट है एक्स के वेरिएबल्स पे। मतलब इसका एस्टिमेटेड सैलरी ज़्यादा होगा तो परचेस करेगा, एज ज़्यादा होगा या फिर एज कम होगा तो वो ज़्यादा परचेस करेगा। ऐसे जो रिलेशनशिप है वो डिपेंड, परचेस जो है वो डिपेंड करेंगे अपने नॉर्मल बाकी के जो यूज़र आईडी, जेंडर, यूज़र आईडी पे नहीं, जेंडर, एज और एस्टिमेटेड सैलरी, बट स्टिल हम यूज़र आईडी ले लेंगे जस्ट फॉर कंपटीशन पर्पस और अच्छा मॉडल बनाने के लिए। बट वैसे तो डायरेक्टली रिलेशन कुछ नहीं है। सो अगर एग्जीक्यूट करें तो एक्स एंड वाई हमारे स्प्लिट हो चुके हैं। तो अभी करना क्या है, अभी हम करेंगे इसको ट्रेन एंड टेस्ट डेटा में स्प्लिट। सो सेम एक्स अंडर स्कोर ट्रेन, एक्स अंडर स्कोर ट्रेन, एक्स अंडर स्कोर टेस्ट, वाई अंडर स्कोर ट्रेन, तुम्हें चाहिए तो कुछ भी अलग नाम भी दे सकते हो, बट ये सही होता है समझने के लिए, इसके लिए मैं यही यूज़ करता हूँ। सो ट्रेन अंडर स्कोर टेस्ट अंडर स्कोर स्प्लिट, ये फंक्शन एक्स एंड वाई पास करना पड़ेगा। उसके बाद में टेस्ट का साइज, तो मेरा टेस्ट का साइज मैं लेट से कि 0.25 दे देता हूँ, 25%। और उसके बाद रैंडम, रैंडम स्टेट करके एक होता है, तो रैंडम स्टेट नहीं दिया तो भी चलता है, बट रैंडमली अगर डेटा सेलेक्ट करना तो तुम कुछ भी वैल्यूज दे सकते हो। लास्ट टाइम 42 दिए थे, इस टाइम मैं दे देता हूँ 29 लेट से। ओके, तो इसके बाद मैं एग्जीक्यूट करते ही है, एग्जीक्यूट हो गया, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन वगैरह डेटा आ गया। सो अभी समथिंग सिमिलर कि अगर डेटा आ गया तो अभी मॉडल बनाना है। सो मॉडल इक्वल टू लॉजिस्टिक रिक्रेशन। ओके, तो इसका एक क्लास होगा ये, तो इसका एक मॉडल बना लिया मैंने। सो अभी मॉडल में मेरे को फिट करना है डेटा जैसे लास्ट टाइम किया था। सो मॉडल डॉट फिट कौन सा डेटा, एक्स अंडरस्कोर ट्रेन जो है वो, एंड वाई अंडरस्कोर ट्रेन जो है ये, इससे हम ट्रेन करेंगे। तो बेसिकली मॉडल बोलता गया कि एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल बना। सो ये वेरिएबल में लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल है। फिट क्या बोलता है ना कि जब अभी हम मॉडल ट्रेन करते हैं। सो बेसिकली फिट मतलब हम जो कुछ एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन की जो वैल्यूज दे रहे हैं उसे फिट कर रहे हैं मॉडल में ताकि वो ट्रेन हो पाए उसके ऊपर, उस डेटा के ऊपर। तो अगर एग्जीक्यूट करें तो एक एरर मिलेगा। सो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट, फीमेल जो है उसे हम फ्लोट में नहीं कन्वर्ट कर पा रहे। सही है, हम फीमेल को कैसे क्या फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट करना क्यों। सो जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि ये जो कंप्यूटेशन होते हैं ये सारे नंबर्स पे होते हैं, डेटा एनालिटिक्स नंबर्स पे, मतलब कंप्यूटर इंटरनली नंबर्स पे काम करता है, और ये मेल और फीमेल को ये कन्वर्ट नहीं कर सकता फ्लोट में। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर याद होगा हमने इस पे यूज़ किया था प्रैक्टिकल सेकंड में कि कैटेगरिकल वेरिएबल को हम कैसे क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट करते हैं। सो उसका यूज़ यहाँ पे, यहाँ पे क्या करेंगे, जेंडर को हम
01 में कन्वर्ट करेंगे, मतलब 0 मतलब मेल, 1 मतलब फीमेल। तो यहाँ पे हम जेंडर को क्वांटिटेटिव वेरिएबल मतलब न्यूमेरिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। ओके सर, कि मेल मतलब 0, फीमेल मतलब 1, ऐसे कर देंगे। सो डीएफ में हम क्या करेंगे कि जेंडर जो है, सो जेंडर वाला कॉलम ले, जेंडर वाला कॉलम ले डॉट कर, रिप्लेस, रिप्लेस क्या करना है, मेल जो है, सो मेल करेक्ट, उसका केन सेंसिटिव होना चाहिए, मेल को 0 से रिप्लेस कर, फिर फीमेल को 1 से रिप्लेस कर। सो इसमें से कोई भी ले सकता हूँ, मेल फीमेल को भी 0 कर सकते हो या फिर मेल को भी, वो कुछ मैटर नहीं करेगा। उसके बाद में इन प्लेस इक्वल टू ट्रू कर देते हैं ताकि वापस स्टोर ना करना पड़े, एंड फिर अभी डीएफ प्रिंट करते हैं। सो अभी देखेंगे तो मेल एंड फीमेल जो है वो अपडेट हो गया होगा 0 एंड 1 में। ओके सो यप, उसके कॉलम को एग्जीक्यूट करते हैं, एक्स एंड वाई को ये स्प्लिट करते हैं, ट्रेन एंड टेस्ट डेटा में स्प्लिट करते हैं, मतलब वापस एग्जीक्यूट सब कर रहे हैं। उसके बाद में मॉडल बना के मॉडल में फिट करते हैं, तो अभी ये चलेगा क्यों, क्योंकि इसमें अभी वैल्यूज सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज, सो ये चल जाएगा। सो अभी ये तो हो गया, मॉडल फिट हो गया मतलब ट्रेन हो गया, अभी हमें प्रेडिक्ट करना पड़ेगा। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ वाई प्रेडिक्ट करके, एंड मॉडल डॉट प्रेडिक्ट। ओके सो इसमें प्रेडिक्ट में एक्स टेस्ट वैल्यू डालनी पड़ेगी, एक्स अंडरस्कोर टेस्ट, इससे ये टेस्ट वैल्यू पे ये कुछ प्रेडिक्ट करेगा और वाई की वैल्यू निकालेगा। सो एग्जीक्यूट करें, तो चलो वाई प्रेडिक्ट को प्रिंट करते हैं। अगर ये एग्जीक्यूट करें तो तुम्हें दिखेगा 0 या फिर 1 के वैल्यूज आए। तो अभी इसे कंपेयर करना, तो सेम मॉडल डॉट स्कोर, तो हमें स्कोर क्या करना है, एक्स अंडरस्कोर ट्रेन जो है वो और वाई अंडरस्कोर ट्रेन, ट्रेनिंग डेटा पे कैसे काम कर रहा है। सो अगर देखें तो 8.88। तो हम क्या करेंगे, अभी टेस्ट के बजाय हम क्या करेंगे, मॉडल डॉट स्कोर करेंगे पूरे एक्स कमा वाई वैल्यू पे, ताकि पता चले मॉडल कैसे काम कर रहा है पूरे डेटा सेट पे। तो सेम 78%, 79% अप्रोक्सीमेटली। सो अभी इसके बाद ये तो हो गया नॉर्मल स्टेप्स, अब इसके बाद हमें 0.2 करना है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, TPFN, TNFN। तो TP क्या है, ट्रू पॉजिटिव, मतलब वैल्यूज क्या है, ट्रू है और मॉडल ने भी ट्रू बताया। फॉल्स पॉजिटिव क्या होता है कि वैल्यू फॉल्स है बट मॉडल क्या बोल रहा है कि नहीं ये ट्रू वैल्यू है, सो वो गलत हो गया। सिमिलरली ट्रू नेगेटिव क्या होता है कि वैल्यू एक्चुअली ट्रू है बट जो मॉडल है वो बोल रहा है कि नहीं ये ट्रू नहीं है, सो ये भी गलत हो गया। एंड फॉल्स नेगेटिव क्या होता है कि वैल्यू फॉल्स है और ये जो मॉडल है वो भी फॉल्स ही बोल रहा है, वो भी करेक्ट है, तो वो सब करना। तो इसके लिए सिंपल है, हमें CM नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जो हमने इंपोर्ट किया था उसमें हमें देना पड़ेगा वाई टेस्ट वैल्यू एंड वाई प्रेडिक्टेड वैल्यू। तो वाई टेस्ट एंड वाई प्रेडिक्टेड अगर देते तो ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्रिएट करेगा। तो अगर इसे प्रिंट करें CM को तो हमें कन्फ्यूजन मैट्रिक्स मिलेगा 2x2 वाला, देख ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है। सो ये जो फर्स्ट वैल्यू है, तो अगर ये कौन से वैल्यू से क्या है देखना, तो तुम क्या कर सकते हो कि कन्फ्यूजन मैट्रिक्स sklearn के डॉक्स में जाके कन्फ्यूजन मैट्रिक्स देख सकते हो, तो चलो जाके देखते हैं। सो ये है sklearn डॉट मैट्रिक्स, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का ये। तो अगर तुम यहाँ पे इसके डॉक्यूमेंटेशन पे देखो तो फर्स्ट वैल्यू जो है वो है TN, उसके बाद FP, FN, TP, तो ये ऐसे फॉर्मेट में आता है। सिमिलरली यहाँ पे इनके डॉक्यूमेंटेशन में भी दिया होगा, ओके तो डायरेक्ट यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, बट अगर सोर्स पे जाए मतलब मेन कोड पे जाए तो कोड की यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंटेशन दिखे, देखो ये कि ये जो वैल्यूज है, दस बाइनरी क्लासिफिकेशन, ट्रू नेगेटिव इज मैथ ऑफ CF00, फॉल्स नेगेटिव मैथ ऑफ 10, मतलब एरे के वैल्यूज। सिमिलरली अगर तुम नीचे नीचे देखो
यहाँ पे एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, TNFP FNTP, जो कि हमने अभी एग्जाम्पल में देखा। तो सिमिलर ऐसे, तो ऐसे हम ये कर सकते हैं, चाहिए तो हम रिट्रीव कर सकते हैं, बट अभी के लिए नहीं चाहिए, या फिर ले लेते चलो। सो ये कॉपी करते हैं। अभी तुम बोलो कि ये तो इंटरनेट पे और हमें लैब पे एक्सेस नहीं होगा, तो कैसे करें? तो उसके लिए तो अगर कि तुम्हारे पास इंटरनेट नहीं है और तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा टीपी वगैरह का, तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो सॉरी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। जो है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या है, एक मेथड है। सो मेथड का तुम डॉक्यूमेंटेशन प्रिंट कर सकते हो कैसे, डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर TOC अंडरस्कोर अंडरस्कोर। अगर ये यूज करोगे तो ये एक मैजिक वेरिएबल है, इससे तुम उसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो। तो अगर एग्जीक्यूट करो तो तुम्हें प्रिंट होगा उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन, देखो पूरा डॉक्यूमेंटेशन। सो इसमें तुम विदाउट इंटरनेट के भी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो, एंड डॉक्यूमेंटेशन पे देखो यहाँ पे मिला TNFP FNTP। तो ये कॉपी करो, ये पूरा लाइन ही कॉपी कर दो। लाइन कॉपी करके ये यहाँ पे इसके बजाय डाल देते हैं। सो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, बस इसके बजाय वैल्यूज चेंज करते हैं, वाई अंडरस्कोर टेस्ट कमा वाई अंडरस्कोर प्रेडिक्टेड। ये अगर एग्जीक्यूट करें तो हमें TNFN वगैरह सब मिल जाएंगे। सो चाहिए तो प्रिंट कर लो, नहीं चाहिए तो जो करना है वो करो। सो चलो प्रिंट करते, TN FP FN TP एग्जीक्यूट करें तो वैल्यूज मिल जाएंगे, 64, 5, 16, 15। ओके ये तो हो गया कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। इसके बाद एक्यूरेसी एरर और वो सब करना। सो एक्यूरेसी के लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, ए इक्वल टू एक्यूरेसी अंडरस्कोर स्कोर, और इसमें भी सेम वैल्यूज आएंगे, वाई टेस्ट वाई प्रेडिक्टेड। सो अगर ये एग्जीक्यूट करें तो ए को भी प्रिंट कर देते हैं। तो अगर देखो तो एक्यूरेसी स्कोर जो है 0.79, जो कि यहाँ पे भी दिख रहा है 0.785, मतलब नियर अबाउट सेम। और एरर वैल्यू के लिए तुम्हें ई इक्वल टू 1 माइनस ए करना पड़ेगा, मतलब 1 माइनस एक्यूरेसी जो है वो है एरर स्कोर तुम्हारा। तो यहाँ पे देख सकते हो ये है तुम्हारा एरर स्कोर। सिमिलरली प्रिसीजन देखना है तो प्रिसीजन अंडरस्कोर स्कोर, जो हमने फंक्शन रिट्रीव किया था उसमें भी जाएगा वाई टेस्ट एंड वाई अंडरस्कोर प्रेडिक्टेड। एग्जीक्यूट करें प्रिसीजन वैल्यू आएगी। सिमिलरली रिकॉल स्कोर चाहिए, सो रिकॉल स्कोर इक्वल टू वाई अंडरस्कोर टेस्ट वाई अंडरस्कोर प्रेडिक्टेड। ये अगर एग्जीक्यूट करें तो ये भी एक स्कोर दे देगा। तो ये ऐसा, सो ये सब क्या है बेसिकली, TNTP TNFP FNTP इसके फॉर्मूलाज है अलग अलग। सो एक्यूरेसी स्कोर क्या बोलता है कि तुम करेक्ट वैल्यूज कितने, कि ट्रू पॉजिटिव जितने वो डिवाइडेड बाय सारा का सारा तुम्हारा, मतलब ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव और ट्रू पॉजिटिव। तो ऐसा एक्यूरेसी की फॉर्मूलाज है। तो वो एक एक फॉर्मूले भी याद करके जाना, ताकि ओरल अगर हो तो उसमें आइडिया आ पाए, या फिर तुम डायरेक्टली मतलब अगर तुम्हें बोले कि ये फंक्शन यूज मत करो तो तुम उसे यूज कर पाओ फॉर्मूलेस को, बट फिलहाल के लिए तो तुम डायरेक्टली यूज कर सकते हो। सो यप यही था इस क्वेश्चन के बारे में, कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैसे इंप्लीमेंट करते हैं एंड कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बाकी के पैरामीटर मतलब मैट्रिक्स वगैरह कैसे करते हैं। तो या कुछ डाउट होगा इसमें तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, या तो फिर कम्युनिटी में ज्वाइन करके वहाँ पे भी डाउट्स पूछ सकते हो। तो क्विट करने से पहले एक क्विक रिकैप देख लेते हैं, क्या क्या किया। पहले तो पैंडास इंपोर्ट किए, एसकेलर्न से ट्रेन टेस्ट प्लेट, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, एक्यूरेसी स्कोर, प्रिसीजन स्कोर और रिकॉल स्कोर, ये सारे कर लिए। उसके बाद में CSV को रीड कर लिया, तभी हमें पता चला कि जेंडर जो फॉर्मेट है वो स्ट्रिंग में है। स्ट्रिंग में है तो वो फ्लोट में कन्वर्ट मतलब नहीं हो सकता जब हम फिट कर रहे जाएंगे, तो इसके लिए हम पहले से ही रिप्लेस कर रहे हैं उस वैल्यूज़ को। वैल्यूज रिप्लेस होने के बाद हम प्रिंट करके देख रहे हैं चल रहा है या नहीं, करेक्टली वैल्यू रिप्लेस हुई है नहीं। उसके बाद में कॉलम्स को प्रिंट किया, कॉलम्स को सेपरेट आउट किया एक्स एंड वाई में। उसके बाद में एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई ट्रेन वाई टेस्ट को स्प्लिट किया, मतलब टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग डेटा।
मॉडल बनाया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल बना के उसमें फिट किया हमारे जो ट्रेनिंग डेटा है वो। उसके बाद में प्रेडिक्ट किया, प्रेडिक्ट करके प्रेडिक्टेड वैल्यू भी देखा प्रिंट करके। प्रिंट करने के बाद मॉडल का स्कोर देखा हमने बेसिकली एक्स एंड वाई के साथ, ट्रेनिंग डेटा के साथ वगैरह। उसके बाद में जैसे पॉइंट टू में बताया गया था कि कन्फ्यूजन मैट्रिक्स निकालो, सो ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स निकाला। उसके बाद में इंडिविजुअल वैल्यूज भी बोली थी, वो हमने डॉक्यूमेंटेशन यूज़ करके निकाले, टी एन एफ पी एफ एन वगैरह, सेम उसे प्रिंट कर दिया। और उसके बाद में एक्यूरेसी, एरर स्कोर, प्रिसीजन एंड रिकॉल स्कोर, ये हमने डायरेक्टली फंक्शन से कॉल कर लिया। एंड तुम्हें क्या सीखना था इससे कि इसके फॉर्मूलाज क्या क्या है, एक्यूरेसी स्कोर का फॉर्मूला, प्रिसीजन स्कोर का, रिकॉल स्कोर का, तो तुम कोई थेरोटिकल वीडियो या फिर डायरेक्टली गूगल भी कर लो तो भी मिल जाएगा। तो यप यही था इस वीडियो के लिए, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।